राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार 28 मई को कहा कि पाकिस्तान ने मेरे और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के बीच 1999 में हुआ समझौता तोड़ा। शरीफ ने अपनी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मीटिंग में कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए थे और हमने एक समझौता किया था, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया, ये हमारी गलती थी। शरीफ और वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किए थे। इस एग्रीमेंट में भारत और पाकिस्तान शांति और स्थायित्व की बात कही गई थी। समझौते को बड़ा कदम माना गया था। इसके कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में घुसपैठ की, जिससे कारगिल जंग हुई। यह दो पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है, जिसमें शांति और सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।